दोस्तों आखिर कौन सा है वो जीव जो कि धरती की उत्पत्ति से लेकर आज तक धरती पर जिंदा है, पर अगर आपके सामने किसी तांत्रिक द्वारा श्रापित करके 1 करोड़ रुपए रखे जाए तो आप क्या करेंगे? स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉइड आखिर पेट भर के क्यों नहीं खा सकते? और हॉलीवुड मूवी जुरासिक वर्ल्ड में मौजूद रोबोट आखिर कहाँ से लाया गया था? जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइज, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते आज के इस नए एपिसोड को। नंबर 5। दोस्तों क्या आपने कभी टार्टिग्रेड्स के बारे में सुना है? वेल, दरअसल ये दुनिया के अविश्वसनीय जीवों में से एक है जिन्हें 18वीं सदी में खोजा गया था। दरअसल ये एक तरह का माइक्रोस्कोपिक जानवर है जिसका आकार करीब 150 गुना छोटा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में करीब 1300 तरह के टार्टिग्रेड्स की प्रजातियां पाई जाती है जो कि एक दूसरे से लगभग समान होती है। जानकारी के लिए बता दें कि ये जीव किसी भी वातावरण में रहने के लिए काबिल होते हैं और शायद यही वजह से इस धरती पर ये करोड़ों सालों से जीवित है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन्हें ज्यादा रेडिएशन और आग में भी कुछ नहीं होता। वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए हैं कि ये जीव आखिर इतने सालों से कैसे जीवित है और कैसे भी कंडीशन में ये अपने आप को कैसे जीवित रख पाते हैं। नंबर 4। दोस्तों जरा सोचिए, किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और आपको वहाँ पर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल जाए, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? वेल, आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब ऐसे ही खुशी 2011 में वैन सबज नाम के एक व्यक्ति को तब हुई जब वो अपने बगीचे से कोबी निकाल रहा था। तभी उन्हें अचानक से अपने बगीचे की जमीन में काफी सारे नोट दबे हुए मिल गए जो कि बिल्कुल असल थे। अब जैसे ही उन्हें ये पैसे मिले, उनके पड़ोस में रहने वाली बेटी ने इन पैसों पर अपना हक बता दिया और बोली कि ये पैसे श्रापित है जो कि उसकी माँ ने जमीन के अंदर दबाए थे। फिर सबज ने इसे लेकर अदालत में अर्जी दे दी जहाँ से वो ये केस जीत गया। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि अदालत से वो पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके पिता द्वारा ये पैसे कलेक्ट किए गए। लेकिन यार, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको ऊपर से नीचे तक हिला के रख देगा, क्योंकि उन पैसों को कलेक्ट करने के बाद सबज के पिताजी की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद सबको यकीन हो गया कि ये पैसे सच में श्रापित है। नंबर 3। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम ही होगा कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉइड प्री प्रोसेस फूड को ही खाते हैं और उन्हें लिमिटेड खाना खाने की परमिशन ही दी जाती है। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है कि एस्ट्रोनॉइड स्पेस स्टेशन में ड्राई सॉल्ट और पेपर का यूज नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें ये सब कुछ लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ड्राई सॉल्ट और पेपर फूड पर डालने से वह ना सिर्फ स्पेस स्टेशन में फ्लोट करने लगेगा बल्कि उससे स्पेस स्टेशन के इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो जाएंगे, जिस कारण से स्पेस स्टेशन में ड्राई सॉल्ट और पेपर यूज करने की परमिशन नहीं दी जाती। नंबर 2। दोस्तों अगर आप सब भी हॉलीवुड मूवीज देखने के शौकीन है तो आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी तो जरूर देखी होगी और ये भी जरूर देखा होगा कि उस मूवी में रैप्टर नाम के रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके इंसानों की तरह ही प्रोस्टेटिक पैर होते हैं और वो बहुत ही तेज भागने में सक्षम होता है। लेकिन शायद ही आपको इसके बारे में जानकारी होगी कि कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा साल 2014 में असल में रैप्टर नाम का रोबोट बनाया गया था जो कि दिखने में हूबहू जुरासिक मूवी की तरह ही दिखता है। और दोस्तों इस रोबोट में भी 2 पैर है जिनमें अलग अलग मोटर लगाई गई है। अब इतना ही नहीं, इसके ऊपरी हिस्से यानी कि हिप हॉप रीजन में स्पिनिंग लेबर अटैच है जो इसे फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी और फ्री मूवमेंट प्रदान करती है। खैर, अब अगर इस रोबोट की स्पीड की बात करें तो वो 28.5 माइल पर आवर की है जो कि इसे चीता रोबोट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे फास्ट रोबोट बनाती है। नंबर 1। दोस्तों आज भले ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रशिया के कॉस्मोनॉट को एंट्री क्यों ना मिली हो, पर जब बात चाइना की आती है तो चाइना के एस्ट्रोनॉइड को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने से बैन किया गया है। अब दोस्तों ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि चाइना पर अमेरिका सहित बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती। साथ ही साथ चाइना के हैकर्स ने नासा के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद 2011 में यूएस कांग्रेस ने एक बिल पास करके ISS में चाइना की एंट्री को बैन कर दिया था। तो दोस्तों ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया नया सीखा होगा और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।